यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जम्मू कश्मीर जहां पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शहीद औरंगजेब के परिवार से मुलाकात कर रही हैं। को एक सिर के बदले 10 नहीं बल्कि 100 सिर लाने की बात होगी जब आतंक का खात्मा होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो वीडियो भी सामने आया था शहीद औरंगजेब का, वो अंतिम वीडियो जब आतंकी उनसे एक एक जो है डिटेल लेने की कोशिश कर रहे थे, उस वीडियो में भी देखा कि किस तरह से जो जवान थे, जो औरंगजेब थे, शहीद औरंगजेब जो है किस निर्भीकता के साथ में, किस निडरता के साथ में निर्भीक होकर एक एक सवाल का जवाब वहां पर देते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसी ही हमारी भारतीय सेना है जिस पर पूरा देश गर्व करता है कि मौत चाहे सामने खड़ी हो लेकिन उसका डर जो है तनिक भी नजर नहीं आता है जवानों के चेहरों पर। और यही जो अंतिम वीडियो था औरंगजेब का, उसमें देखा भी गया था कि कितनी निडरता के साथ में, साहस के साथ में वो यहां पर डटकर जो है उनके हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आए थे, क्योंकि जो सही है वो निडर है, वो निर्भीक है। और आज शहीद औरंगजेब के परिवार से मुलाकात करने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं। उनके घर से आप सीधी तस्वीरें देख रही हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं और साथ ही शहीद औरंगजेब के पिता जो है उनके साथ में मौजूद है, उनका भाई जो है उनके साथ में मौजूद है। और यहां पर आपको बता दें कि जब शहीद औरंगजेब ईद की छुट्टी पर अपने घर आने वाले थे लेकिन ईद के दिन उनका पार्थिव शव जो है वो उनके घर पहुंचा था। और ऐसे देश के बेटे पर पूरे देश को गर्व था कि कैसे देश के लिए कुर्बान जो है एक बेटा हो गया। हालांकि लगातार देखने को मिलता है आतंकियों की ओर से देश के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, और लेकिन कहीं ना कहीं जो वीडियो जो सामने आया था शहीद औरंगजेब का, उसमें देखा गया कि किस तरह से कितने निडर होकर अपने देश के लिए वो जो है तैयार थे, देश के लिए उन्होंने तनिक हार नहीं मानी और वहां पर आतंकियों के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, आतंकियों का डटकर सामना किया, उनके हर एक सवाल का मुंह तोड़ जवाब उनकी ओर से दिया गया था कि साहस के साथ वो इस वीडियो में नजर आ रहे थे। उनका जो अंतिम वीडियो जो सामने आया था सोशल मीडिया पर भी खूब ये वीडियो जो है वायरल हुआ था, जिसके बाद सभी देशवासियों को उनके ऊपर गर्व जो है और बढ़ गया था, अपनी भारतीय सेना के ऊपर गर्व जो है हम सभी करते हैं। लेकिन अब जो शहीद औरंगजेब हैं उनके परिवार की मांग ये है कि आतंकियों का खात्मा अब किया जाए घाटी से। आतंकी जिस तरह से लगातार देश के जवानों को, देश के बेटों को निशाना बना रहे हैं, उनको सबक सिखाना बेहद जरूरी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहीद औरंगजेब के परिवार से मुलाकात कर रही हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण।